ढलता तू सुबह निकलता तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्क्वायर साइज में इस तरह स्टेटस वीडियो कैसे आप बना सकते हैं इस तरह स्टेटस वीडियो बनाने के लिए एक ऐप की जरूरत होगी ऐप की नाम है एवी प्लेयर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एवी प्लेयर प्रो का लिंक दे दिया हूं उस लिंक से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ इसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह वीडियो पाने के लिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ऐप डाउनलोड करने के बाद ये जो ऐप है इसको आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा सबसे ऊपर में जो बॉक्स की तरह आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है उसके बाद नीचे बीच में लिखा रहेगा लोड फॉर्म फाइल तो इधर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा टेम्पलेट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको मेरा दिया हुआ लिंक से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करें वो वीडियो पहले देख लीजिए डाउनलोड होने के बाद जिस फोल्डर पर रहेगा उस फोल्डर को ओपन करना है उसके बाद टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है टेम्पलेट का जो नाम रहेगा विजुअलाइजर ए पी टू थर्टी वन टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए लास्ट में जो बॉक्स है उधर आपको क्लिक करना है उसका पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ इधर देखिए नीचे मेरा चैनल का नाम है तो इस तरह इफेक्ट बनाने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा चैनल नेम कैसे बनाए वो वीडियो पहले देख लीजिए उसके बाद आप भी इस तरह इफेक्ट बना सकते हैं इफेक्ट बनाने के बाद सबसे पहले आपको पेंसिल का आइकन के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद ऑडियो प्रोवाइडर का नीचे जो इमेज लिखा होगा उधर आपको क्लिक करना है उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक करके कास्टो इमेज पे क्लिक करना है उसके बाद पीक इमेज पे क्लिक करके इधर आपको इमेज सिलेक्ट करना होगा जिस इमेज पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं इधर एक इमेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इमेज सिलेक्ट करने के बाद बैक आ है उसका नीचे लिखा है इमेज तो उधर आपको क्लिक करना है उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक करके कास्टूम इमेज पे क्लिक करना है उसके बाद पीक इमेज पे क्लिक करके अभी जो मैं आपको बोला चैनल नेम बनाने के लिए उसको आपको सिलेक्ट करना है अगर आप नहीं बनाए हैं तो आपको सिंपल सा मेरा जो चैनल का नाम है उसको हटाने के लिए क्या करना है जनरल पर क्लिक करना है और इधर विजिबल रहेगा तो इसको आपको अनटिक कर देना है मेरा जो चैनल का नाम है वो हट जाएगा तो फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ उसके बाद देखिए इसका नीचे लिखा है ब्लूआर इफेक्ट तो उधर आपको क्लिक करना है उसके बाद राइट साइड में जेनरल पे क्लिक करके इधर को विजिबल करना है उसके बाद जेनरइल को क्लोज कर दीजिए उसके बाद आपको एपिलियंस को ओपन करना है उसके बाद देखिए इधर सिर्फ आपको फर्स्ट वाला जो बॉक्स है सॉरी आपको सेकेंड वाला जो बॉक्स है उस पर टिक करना है ठीक है फर्स्ट वाला पे नहीं सेकंड वाला पे आपको टिक करना है उसके बाद एपिलियंस को क्लोज कर दीजिए उसके बाद बैक आ जाना है उसके बाद देखिए बार्स का नीचे एक इमेज लिखा होगा उधर आपको क्लिक करना है उसके बाद राइट साइड में जेनरेटेड एल्बम आर्ट उधर आपको क्लिक करके तीन नंबर पे जो टिक रहेगा तो इसको आपको अनटिक कर देना है उसके बाद बैक आ जाना है लेफ्ट साइड में ऊपर में जो तीन लाइन होगा उधर आपको क्लिक करना है उसके बाद लाइब्रेरी पर जाना है उसके बाद इधर आपको गाना सिलेक्ट करना होगा जिस गाना पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं गाना सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही तीन लाइन पर आपको क्लिक करके इधर आपको विजुअलाइजर पर जाना है उसके बाद राइट साइड में ऊपर में जो एरो का आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है इधर आपको एक सेटिंग करना होगा इधर देखिए लिखा है वीडियो 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 इधर लिखा है, गया है गया तो जगह में आपका फोन पे जो भी लिखा रहेगा उसको आपको काट के इधर आपको लिखना है हजार और वीडियो हाइट का जगह में जो भी लिखा रहेगा उसको काट के इधर आपको लिख देना है हजार दोनों जगह पे आपको हजार हजार लिखने के बाद नीचे आके इधर आपको एक्सपोर्ट पे ही क्लिक करके वीडियो सेव करना है तभी जो वीडियो है फुल वीडियो में सेव होगा अगर आपका वीडियो सेव में का तो टाइम वार्निंग ओल्ड वर्सन करके कुछ आ रहा है, तो उसका में में वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए तब तक लिए जय हिंद